तो दोस्तों आपको तो याद ही होगा कि कैसे हमारा रोप हीरो बेचारा फंस गया था जेल में मारा मारा, और ये सब हुआ था टिप्सन दादा की वजह से। तो आप लोगों ने मुझको कहा था कि बाहर निकल के जल्दी से टिप्सन दादा को सजा दे। फिर रोप हीरो ने बड़ी मेहनत करके बाहर निकलने का रास्ता पता लगाया और पूरी रात हेलीकॉप्टर उड़ाकर अपने रोप हीरो वाइस टाउन में वापिस आया। और अब आगे यो यो यो, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूं आपका प्यारा सा होस्ट और दोस्त गेम डेफिनेशन। और देखो, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारा प्यारा रोप हीरो आखिरकार अपने प्यारे वाइस टाउन में आ ही गया, और यहाँ आकर तो कितना अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है रे दोस्तों। तो गाइज, जल्दी से अपने प्यारे रोप हीरो वाइस टाउन और हमारे रोप हीरो के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। दोस्तों, इस प्यारे प्यारे वाइस टाउन में कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोग इतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, क्योंकि इसी वाइस टाउन में हमारा एक दुश्मन भी रहता है जो कि है टिप्सन दादा, और आज हम उनकी पुंगी पर जाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, जल्दी से किसी बिल्डिंग पर अपने हेलीकॉप्टर को लैंड कर देता हूं और जरा चेक तो कर लूं कि टिप्सन दादा घर पर ही है ना, क्योंकि गाइस हमारे टिप्सन दादा के पास पूरे 1 करोड़ रुपए है और वो बहुत ही ज्यादा शातिर भी है। तो मुझको लगता है जरूर उन्होंने मुझको फंसाने के लिए अपने घर के आसपास कोई जाल भी बिछाया होगा, और अगर मैं ऐसे ही नीला नीला रोप हीरो बनकर ही उनके पास गया तो हो सकता है पुलिस मुझे फिर से पकड़कर काला पानी के जेल में डाल दे, जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है रे बाबा। लेकिन गाइस, अगर मैं ऐसे ही गया तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ, और इस नीली ड्रेस की वजह से तो वाइस टाउन के सभी लोग मुझे नीली छल्ली नीला बंदर कह कह के मेरा मजाक उड़ाती थी। लेकिन मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, आइडिया गाइस, अगर मैं अपना रूप बदल लूं, बोले तो अपनी ड्रेस को चेंज कर लूं, फिर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैं रोप हीरो ही हूं। तो मैं क्या करूं क्या करूं, कुछ आइडिया तो बताओ दोस्तों। हाँ, आपने सही कहा, हमको पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पुरानी वाली गोल्डन ड्रेस को ही ले लेना चाहिए। तो मैं जल्दी से इस पुलिस स्टेशन के अंदर जाता हूँ और अपनी ड्रेस पहन कर आता हूँ। आप 2 मिनट में रुको दोस्तों, मैं अभी 5 मिनट नट में आया। A few moments later. बागो 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 दोस्तों, मैं तो इस पुलिस स्टेशन में से अपनी जान बचा कर आ गया। यहाँ के पुलिस वाले दरिंदे हैं, यहाँ तो पुलिस काटने को दौड़ती है रे बाबा। और देखो गाइस, हमारी ये नई नवेली गोल्डन ड्रेस में तो मैं कितना ज्यादा क्यूट लग रहा हूँ, बिल्कुल राजा बाबू, अब तो मुझको कोई भी कहीं नहीं पहचान पाएगा। तो चलो दोस्तों, यही घूमने वाले इसी बंदे से पूछते हैं, क्या उन्होंने मुझे पहचाना? हेलो, गुड मॉर्निंग। अरे तुम कौन हो? मुझे लगता है तुम इस शहर में नई आई हो। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो अभी अभी आया हूँ। अच्छा, तो तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि यहाँ पर एक दरिंदा है रोप हीरो, जो कि लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता है। हो, क्यों कह रहे हो? चलो ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ हाँ दोस्तों, इन्होंने तो मुझको पहचाना ही नहीं, मतलब कि जब हमको पुलिस ऑफिसर्स ने नहीं पहचाना तो हमको और कोई क्या पहचान पाएगा। तो चलो, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने प्लान की तरफ। मगर रुको रुको दोस्तों, मुझे वाइस टाउन में कोई भी नहीं पहचान सकता, मगर हमारे टिप्सन दादा जरूर पहचान सकते हैं, क्योंकि वो शक्ल से जितने भोंदू दिखते हैं उतने है नहीं, वो बहुत ही शातिर और चालाक है। मुझको पक्का पता है, अगर मैं ऐसे ही उनके पास गया तो वो झट से मुझे पकड़ लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, हॉस्पिटल की छत के ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ से जाकर टिप्सन दादा की वाट लगाने का कोई प्लान सोचता हूँ। और देखो दोस्तों, मैं तो पुलिस वालों की गन भी लेकर आ गया, मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन गया था और उनकी गन ले आया हूँ, बल्ले बल्ले बल्ले। और देखो गाइस, इस गन का स्कोप भी कितना बड़ा है, इसकी मदद से तो हम लोग टिप्सन दादा की चड्डी का कलर भी देख सकते हैं। और देखो, वो खड़े हमारे प्यारे टिप्सन दादा, तो मैं जल्दी से उनके ऊपर एम करता हूँ। टिप्सन दादा, आज मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मैं टिप्सन के शरीर से अलग कैसे हो गया?
ये क्या, मुझको लगता है नीचे कुछ गड़बड़ है, चलो जाकर देख के आते हैं। ओहो दोस्तों, ये तो लाल बंदर है। मैं नहीं पीता पेप्सी कोला, पीता हूँ सीजर फेंटा, क्योंकि मैं हूँ बाबा बाबा बैड सेंटा। ओहो जल्दी बोल बैड सेंटा, क्योंकि थोड़ी देर में तुझको जेल भी निकलना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तुम यहाँ कैसे आए? ओहो सबसे पहले तो मैं ही आया, और फिर मैंने टिप्सन के शरीर पर कब्जा जमाया, उसके बाद टिप्सन के आलीशान बंगले को अपना बनाया, और फिर तुझको बड़ी आसानी से जेल पहुंचाया नल्ले। ओहो कितना पागल आदमी है, झोपड़े को बंगला बोलता है। तो इधर ही रुक, अभी मैं तुझको 2 मिनट में पकड़ता हूँ। बैड सेंटा को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि बैड सेंटा का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। बाबा तो बाय बाय। अरे दोस्तों, मैं उस बैड सेंटा के पीछे जाऊं या अपने टिप्सन दादा को बचाऊं? उठो टिप्सन दादा, उठो। अरे ये धरती गोल क्यों है, आसमान नीला नीला क्यों है, तुम कौन हो भाई, मैं कौन हूँ? अरे टिप्सन दादा, पागल वागल हो गए हो क्या? आप हो मेरे प्यारे टिप्सन दादा, और मैं हूँ आपका प्यारा रोप हीरो। लेकिन वैसे अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो ऐसा करो, आपने इस आलीशान बंगले के कागजात मेरे नाम कर दो। है? मुझे पक्का पता था तू रोप हीरो ही है, जो मेरे घर के पीछे पड़ा हुआ है। ये आलीशान बंगला मेरा है और मेरा ही रहेगा। ओहो वाओ दोस्तों, अपने टिप्सन दादा को तो सब कुछ याद है, ये तो हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे। हाहा टिप्सन दादा, मुझे बड़ी खुशी है कि आप वापस आ गए। लेकिन रोप हीरो, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे लग रहा है मैं कितने टाइम से सो रहा था। हाँ टिप्सन दादा, वो आपने कल रात को ना ज्यादा ही पेट भर के बर्गर खा लिए थे, इसलिए आपको बड़ी अच्छी नींद आ रही थी। चलो छोड़ो दोस्तों, टिप्सन दादा को पूरी कहानी क्या ही बतानी। ओके टिप्सन दादा, मैं आपसे थोड़ी देर में आकर मिलता हूँ। तो दोस्तों, बैड सेंटा को तो हमने भगा दिया और अपने टिप्सन दादा को बचा लिया, और देखो अब मैं भी अपने इस प्यारे से रोपीरो वाइस टाउन में बड़ी ही आजादी के साथ घूम सकता हूँ। इसी बात पर आप जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो कर ही दो, और दोस्तों आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हमें अभी भी बैड सेंटा की पोंगी बजानी चाहिए या नहीं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या ही कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारी सी जीडी फैमिली का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको हर रोज मिलती है चटपटी अनोखी अनोखी रोपीरो वाइस टाउन की मजेदार वीडियोस। तो ओके गाइस, अब हम मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू सभी को।